Hello everyone, my name is Pooja Dubey and welcome to my channel. So I took my first international solo trip in the month of April this year, and it was one of the best things that happened this year because I was so scared. I've been traveling solo for so long in India, but this was my first international solo trip and I cannot believe that I did that entire trip, including flights, visas, etc. in just 60,000 rupees. We're going to talk everything from every small details, from even SIM card to aap paise कहाँ विड्रॉ कर सकते हो, कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्रॉम मनी सेविंग टेक्निक्स टू आइटिनरीज टू विच हॉस्टल्स टू बुक, एवरीथिंग, सो दैट व्हेन यू आर टेकिंग योर ट्रिप यू आर ऑल सॉर्टेड. सो दिस इज द वे आई एम प्लानिंग टू मेक द एंटायर थाईलैंड सीरीज. इन बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एवरी लिटिल डिटेल एंड द एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द व्लॉगी थिंग. सो डू लेट मी नो हाउ यू लाइक दैट आइडिया एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द आइडिया फॉर आर अपकमिंग कंट्रीज. स्टार्ट. सो स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, बेसिकली यू शुड नो अबाउट थाईलैंड इज दैट मुझे ये बात पता नहीं थी. सो आई फील दैट बिफोर प्लानिंग यू शुड नो दैट थाईलैंड लाइक इंडिया इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नॉर्थ थाईलैंड एंड साउथ थाईलैंड. थाईलैंड इज ऑल अबाउट बैंकॉक, फुकेत एंड ऑल द टूरिस्टी प्लेसेस विच आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट. एंड साउथ थाईलैंड इज लाइक कोलीपे, कोलांतान, नॉट मेनी प्लेसेस दैट आई फील लाइक यू नो इवन आई हर्ड अबाउट बिफोर मूविंग देयर. बट जब मैं वहाँ लोगों से मिली या टूरिस्ट से मिली तो मुझे पता चला दैट इज अ वेरी प्रिटी प्लेस. उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाए जिसकी झलक आपको फीफी, फुकेत या क्राबी के आइलैंड्स में मिलेगी, बट दीज आइलैंड्स आर रियली अनटच्ड विद लाइक ब्लू वाटर्स. पीपल एक्चुअली गो देयर टू रिलैक्स. हनीमून कपल्स स्पेशली है एंड दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक यू नो द क्राउड. दे कैन एक्चुअली प्रेफर द साउथ ऑफ थाईलैंड. सिम कार्ड, मेनी पीपल विल एडवाइस यू कि आप सिम कार्ड उतरते से ही लो. अगेन आई फील वाई, बिकॉज आई वॉज सोलो, मैंने उतरते से ही सिम कार्ड नहीं ली. जैसे ही मैं एयरपोर्ट, जो कि सुवर्णभूमि एयरपोर्ट है, वहां से अपने हॉस्टल तक का रास्ता मैंने एक्चुअली गूगल मैप से एयरपोर्ट पर वाईफाई metros, then I took buses, which was really difficult क्योंकि this was like the first time मैं सुबह सुबह land हुई, trying to figure out this whole new country. मेरे पास network नहीं था, so it was slightly difficult. But when I reached my hostel, I cleaned up. आपको 7-Eleven will be something that will be your survival kit, survival shop in Thailand. So 7-Eleven में SIM card थोड़े सस्ते होते हैं, which will cost you I think 30-50 Thai baht. And it is one of the cheapest SIM card option that you can have. मैं Thailand 11 दिन के लिए थी, तो मैंने 10 दिन वाला टूरिस्ट प्लान लिया था एंड द इंटरनेट वाज क्वाइट गुड. आई थिंक आपको पर डे कुछ 2 GB मिल जाता है एंड अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाते हैं. इट वाज क्वाइट मेस्ड अप बिकॉज आई वाज कैरिंग माय वर्क विद मी, OTPs नहीं आ रहे थे अगर मुझे वर्क के लिए लॉग इन करना पड़ रहा. अगेन देयर वाज लाइक 3-pin charger मेरे पास नहीं था, तो आई हैड टू बाय अ पिन कन्वर्टर क्योंकि वहाँ पे आई थिंक 2 pins होता है, स्पेशली इफ यू आर कैरिंग अ लैपटॉप. आई हैड एन HP लैपटॉप विद मी व्हिच वाज माय वर्क लैपटॉप. रेस्ट एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, फोन चार्ज करना वाज सॉर्टेड. नाउ कमिंग टू द करेंसी, Thailand 1 Thai baht is equal to 2.5 INR. A big tip जो मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि आप प्लीज यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा के जाइए. जैसे मैंने अपने 60,000 के बजट में से 20,000 की करेंसी एक्सचेंज की थी, जिसमें मुझे 8,000 रुपीज वहाँ आए थे. आई नोटिस कि वहाँ पे पैसे निकालने से या वहाँ पे स्वाइप करने रेट इज वे टू हाई इवन द इंडियन करेंसी रेट. और मैंने ये इंडिया में ही कराया था क्योंकि मैंने वहाँ पे भी जाके एक्सचेंज रेट पूछा था, विच वॉज वे हाई ऑल द यू नो taxes and all the charges that they were applying. So because this was my first time traveling abroad, I did not know ki flights, jaise hi flight pe baithte ho, agar flight pe bhi aapko kuch khana hai ya fir wahi se aapki currency ki demand start ho jati hai. So make sure you have little cash in your hand. Now coming to the best time to visit Thailand, best time to visit is just like India. I think wahan pe bhi monsoon season is not considered to be one of the best times, and see time pe flights kafi sasti hoti hai. So few of the places like Chiang Mai, yahan pe log usually monsoons mein jana prefer karte because it's a very boom area or like a very traditional place in Thailand, and flight tickets are also very cheaper at that particular point of time, so you can book it. Baki India ki tarah hi I think September to April Thailand is very beautiful. Now clothes to carry, I've never felt so liberated when it came to clothes to carry. Thailand is actually good when it comes to shopping for girl. Every place from Bangkok to Phuket to Phi to Krabi, wherever I went there were like small markets, so you don't have to actually worry if you haven't like really packed away. Please know that international flights mein aapki luggage separate hoti hai. Luggage jo aapka carrier hota hai wo separately charge hota hai. So if you are someone who is like me or traveling on a budget, make sure you carry as less as possible, and also you can wear short clothes, girls. It's totally fine, it's totally comfortable and totally safe. I travel solo and I think you can, if you take my word to it, it was completely safe. Now coming to the main point, which is booking your flight. So I booked my flight like a month and a half
आया जहाँ पे मुझे जाना और आना टोटल 18,000 रुपीज में पड़ा, 9,000 अप 9,000 डाउन. आई बुक बोथ द वेज टुगेदर. नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल टिप कि अगर आप सिर्फ एक वे एक बार में करते हो दूसरा दूसरे बार में, तो आप चेकिंग इट इट वॉज कॉस्टिंग मी अराउंड 22,000 to 24,000. सो दिस इज अ टिप कि आप बोथ वेज एक साथ करो और एक ही एयरलाइन से करो वेन यू आर सर्चिंग इन स्काई स्कैनर. तारा से की थी जहाँ पे लगेज इंक्लूडेड था तो मुझे एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ी. नाउ वो थाईलैंड इज वीजा फ्री, बट वेन आई वॉज एक्चुअली विजिटिंग द वीजा कॉस्टेड मी 4,500 रुपीज. दिस इज डेफिनेटली नॉट स्पॉन्सर्ड, बट देर आर मेनी वेबसाइट इन इंडिया लाइक VFS ग्लोबल. मैंने अपना वीजा VFS ग्लोबल से किया था और बहुत सारी एप्स और वेबसाइट्स आजकल आ गई है. आई ऑल्सो टुक अ ट्रिप टू ओमान रिसेंटली जहाँ पे आपको बस डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं. आपके पास ई वीजा ई वीजा करके जाओ, क्योंकि आप जब भी लैंड होते हो देर आर 90-95% ऑफ द पीपल हु आर वीजा ऑन अराइवल और वहाँ पे लाइन काफी लंबी होती है. तो इफ यू हैव टू अवॉइड दैट हैसल प्लीज डू ई वीजा ऑन अराइवल. टेक्नोलॉजी हैज गॉन वे हाई अप, लेट्स टेक यू नो एडवांटेज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी कंप्लीटली. प्लान माई आइटिनरी इन फोर वेज. Number one, I gave 2-2.5 days to Bangkok, 2-2.5 days to Phuket, 3 days to Phi-Phi and 3 days to Krabi. Bangkok में मैंने दोनों दिन Khaosan Social नाम के हॉस्टल में अपना स्टे बुक किया था, which costed me I think around 300 Thai baht per day, which was 600 rupees per day, and it was just above Khaosan Road. Khaosan Road is really famous in Thailand, if you know what I mean for. Sure कि मेरे सारे हॉस्टल actually tourist destination से काफ़ी पास थे, because this was my first time traveling abroad. I really wanted to play it safe and save a lot of money, and these are the places that I visited. Travel through all of these places through Grab and Bolt. I would rather ask you to prefer Bolt when you are in, you know, Bangkok or I think Phuket, because they give much cheaper range than Grab. And my Bangkok puri tarah se scooty pe baith ke ghum rahi thi, which was absolutely safe. Phuket for me was like South Goa, because everything was at a very distant. Maine wahi pe pick up kar liya ki this is going to be like South Goa and I am going to need a scooty. So aap scooty कर सकते हो. मैंने वो स्कूटी अपने एक हॉस्टल के दोस्त के साथ शेयर की थी. आई वॉज स्टेइंग इन जेड नाइट हॉस्टल एंड इट कॉस्टेड मी 250 बात पर डे. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स एवर, जहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स थी, बाथरूम इतने क्लीन थे, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. एंड आई रियली वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो हॉस्टल्स हैं जिनके बारे में हम बात करें काफ़ी क्लीन होते हैं, इनमें सब कुछ अवेलेबल होता है. तो हॉस्टल्स बुक कर रखे थे, सो आई वॉज सेफ ऑन सेफर साइड. आई वॉज कैरिंग ऑल माई टॉयलेटरीज विद मी, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. सो माई फ्रेंड एक्चुअली वॉन्टेड द स्कूटी from 7 and after and I wanted the scooty from till the day. तो हमने दोनों में वो distribute किया, जो कि दोनों दिन के लिए मुझे 300 baht लगा. 151 per day scooty rent was 300 baht और हमने उसे distribute. Places in Phuket or many beaches which are unexplored. I did a hike in Phuket all because I had my own vehicle with me. Police very sasta, so you can do that. And this is the places that I explored in Phuket. Now coming to Phi-Phi. Now Phi-Phi was definitely not in my plan. आप एक बार जब थाईलैंड जाओगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी लोग आपको ये Phi-Phi टूर या फिर सेवन आइलैंड टूर आपको बेच रहे होंगे, बट इट वॉज जस्ट फॉर वन डे. तो मैंने Phi-Phi के पिक्चर्स देखे एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू यू नो फुकेत से ही वो Phi-Phi का टूर मुझे लेना. पहुँचते ही मेरी आँखें फटे की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पे सोमक्रांत फेस्टिवल चल रहा था. देयर वर सो मेनी हॉर्स, वेरी स्मॉल आइलैंड जहाँ पे व्हीकल्स नहीं चलती है, सो यू कैन कवर इट बाय डिस्टेंस. फिर मैं सीवीड नाम के हॉस्टल में रुकी थी. दिस वॉज डेफिनेटली like a very secluded kind of hostel, like a party hostel, जहाँ पे एक ही room में I think 10 beds थे. Again it was very clean, everything was very clean, toiletries and everything. You also had your own locker, beds were made every like 6 hours and everything. It was extremely clean and I have no complaints with the hostel. To party, and if you are someone who doesn't want to party, you know, in a very a different way, Thailand can be a party destination जहाँ पे parties दो तरह की होती है. एक तरह की पार्टी थोड़ी और दूसरी तरह की पार्टी थोड़ी सोफेस्टिकेटेड पार्टी होती है. ऑफ कोर्स देयर फुल मून पार्टी, देयर लॉट ऑफ पार्टीज, बट आई थिंक Phi-Phi इज द इट डेस्टिनेशन इफ यू वांट टू पार्टी लाइक रियली इन अ गुड वे, इफ यू नो व्हाट आई मीन. एंड सैटरडे संडे आई गेस दैट्स इबीजा पूल पार्टी आई अटेंडेड. एंड इबीजा पूल पार्टी मी बीइंग लाइक अ नॉन पार्टी एंड नॉन लाइक लाइक अ वेरी बिग फैन ऑफ पार्टीज और वेरी बिग फैन ऑफ ड्रिंक, दिस वॉज लाइक here. So I think you definitely have to attend that Ibiza. काफ़ी ज़्यादा अलग अलग nationalities वहाँ पे आके पार्टी करते हैं, तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंसिस वेन इट कम्स टू पार्टी फॉर मी. वहीं Ibiza पूल पार्टी में आई साइंड अप फॉर अनदर पार्टी.
which was next day, which was a boat party. But it also included a tour. वहाँ पे सारे islands cover हुए, जो typical monkey island होता है, Maya Bay Beach and everything which includes in the Phi tour, जो आपको Phuket से मिलता है, वैसी kind of tour होता है, but with party and with food and you know with jumping and with like many other activities. And this is all the activities that I did in Phi. Now coming to Krabi, by the time that I reached Krabi in ferry, I was like completely exhausted. In Aonang, now Aonang is like a center of all the tourist places in Krabi. I decided not to do anything. तो मैं Krabi में बस walk करती थी, market से जाती थी, कुछ vegetarian खाना ढूंढती थी और घर वापस आ जाती थी. Please note कि मैंने अपने पूरे trip में Indian restaurant में सिर्फ एक ही दिन खाना खाया और वो भी था Krabi में. क्योंकि आप अगर रास्ते पे खा रहे हो तो you can say can you please take out the egg and can you please just give me the noodle soup or something like that. तो ऐसे करके मैंने काफ़ी जो भी street food है वो आया था. Aonang was really like a small town, but then I discovered कि Aonang से seven island tour निकलता है, तो I in islands पे जाऊंगी. And little did I know that I fell in love with one of the islands. Aonang beach पे जाओगे, वहाँ पे boots लगे रहते हैं, government boots होते हैं, जो government ferries होती है वो आपको एक ticket देती है और ये आपको 100 baht में ले भी जाएंगे और ले भी आएंगे एक island को. तो मैं गई थी Raley's island और Phranang island, जहाँ पे rock climbing होती है और ये काफ़ी सुंदर सा आइलैंड है एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट इफ यूर इन Krabi. सो Krabi वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ कपल्स एंड अ फैमिली वाइब ऑल टुगेदर एंड आई वॉज एबल टू यू नो जस्ट चिल अराउंड एंड देन गो टू एन आइलैंड एंड एक्सप्लोर इट एंड कम बैक. बट आई एंडेड अप स्टेइंग इन Raley's आइलैंड बिकॉज आई लव्ड इट सो मच, द वाइब ऑफ इट्स कम्प्लीटली. 100 baht की टिकट लेके गई और 2 दिन बाद उस टिकट का रिटर्न करके मैं Krabi वापस आई. नाउ द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड वेन यू आर इन थाईलैंड. आई एंडेड माई आइटनरी टू Krabi and then I had to book my bus back to Bangkok. So it was like my to and fro was from Bangkok, which was one of the biggest mistakes. So aap agar apna flight ticket book kare, for example Mumbai to Bangkok, so make sure ki aap apni itinerary ke end se aapki flight return flight book karo, because it is going to cost you this one and the same 1200 or 1500 baht, which was like 2500 to 3000 rupees which costed me for a bus from Krabi to Bangkok back again. But second mistake you should avoid is do not withdraw money from ATM or swipe your card in any island, because the exchange rate can cost you damn pretty much of money. So make sure ki aap us tarah se karo. So is tarah se maine apni cost breakdown ki. Number one, 20,000 as you know ki maine cash withdraw kiya. Maine apni sari pre bookings pehle hi kar li thi. Hostels costed me around 7,000 to 8,000 in total, jo ki maine pre book kiye thi sari. फिर मैंने एक साथ ही सारी मेरी आइटनरी की बुकिंग्स की थी, जो कि थी फेरी और बसेस. अपनी बस की थी, सो मैंने सबसे पहले अपनी बस फ्रॉम बैंकॉक टू Phuket की थी, विच कॉस्टेड मी अराउंड 1200 टू 1300 बात फ्रॉम 12 गो एशिया. फिर मैंने Phuket से Phi की जो फेरी थी वो अराउंड 350 बात टू 500 बात है फेरी के लिए. फिर मैंने Phi से Krabi की जो फेरी की थी, इट ऑल्सो कॉस्टेड मी अराउंड 350 टू 500 बात. एंड देन बैक फ्रॉम Krabi to Bangkok, which you can definitely avoid. So this is the way I book my transportation and in an only Indian restaurant. So I was just mentioning, maine ek reel banayi thi kuch dino pehle apne Instagram pe, and that is where many people were mentioning that I was starving just because I spent around only 600 to 700 baht per day on food. But that is not the case. मैं काफ़ी local restaurants में खाती थी, जहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उनको request करती थी कि आप vegetarian meals दो. For example, आप Raley's Island जाओगे या फिर कुछ ऐसे रिमोट आइलैंड पे जाओगे, तो वहाँ पे वेज खाना तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है. एक टाइम का खाना अगर आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना है, तो डेफिनेटली यू नो द कॉस्ट ऑफ इट. ऑल्दो इट इज़ अफोर्डेबल, बट इफ़ यू आर ऑन अ बजट ट्रिप लाइक मी, आई थिंक दिस वॉज वे बेटर. अगेन हॉस्टल्स में, जिस हॉस्टल में रही थी वहाँ पे किचन भी ओपन था. फॉर एग्जाम्पल इन Phuket वी यूज टू कुक अ लॉट, तो फ्रूट्स हो गए या कुछ भी हो गए, हम बाहर से इंस्टेंट नूडल्स लेके आते थे और Phuket में हम खाना बनाते थे. So this is also one of the ways that you can actually save a lot of money. Now conclusion about Thailand would be that definitely ke alawa stay ke liye main kuch aur resorts yahan pe recommend karne wali hu, which you can also book. And do let me know how did you like this informative video. Main aapko agle video mein milungi with all the details of the places that I visited with a like a slightly mini vlog. Thank you, bye bye.